हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रिजा किचन को। तो आज की रेसिपी है मेरी, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट। तो ये डिज़र्ट बनाने के लिए हमने अपने गैस के चूल्हे पर 1 kg दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया। तो इसे बॉयल हम करेंगे, तो उसको दूध को बॉयल करने से पहले हम ये लेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये डिज़र्ट बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता, यही कोई 5 मिनट में ही बन जाता है। तो दूध मेरा बॉयल हो रहा है, तो इसमें हम कस्टर्ड को घोल करके भी इसमें हम डाल देंगे और इसे पकाएंगे। इसे ना तो ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इसे बीच बीच का हम रख देंगे, तो इसे हम थोड़ी देर हम पकाते हैं। हाई फ्लेम पर ही पका, हाई और लो नहीं, तो कभी हाई कभी लो कर दे क्योंकि दूध उबलने लगता है, इसलिए ध्यान से रख करके इसे पकाए। दो मिनट बॉयल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी हम इसके स्वाद के बराबर डालेंगे, इसकी मिठास के बराबर डालेंगे, जितनी इसमें मीठी हो सके उस लिमिट से हम चीनी डाल देंगे। तो हमने इसके लिमिट से ही चीनी डाल दी है जितना में ये मीठा हो सके, और इसे फुलाएंगे, फिर हम बॉईल करेंगे। जब कस्टर्ड और दूध उबल रहा है, जब तक मैं ये फाड़ लूँगी बिस्किट। ये रस बिस्किट है, तो बिस्किट को हम फाड़ लेते हैं। बिस्किट को हमने 2 पैकेट ले लिया था। ये ना तो ये ब्रेड की तरह ना इसे फ्राई करना है, ये डायरेक्ट ही बन जाता है, बहुत इजीली है। अगर इसे फ्राई करना होता तो ज़्यादा टाइम लगता और बनाने में भी टाइम लगता है, इसलिए हमने ये बिस्किट को बनाने का ट्राई किया, तो ये बहुत ईजिली बन जाता है। तो हमने 2 पैकेट ये बिस्किट ले लिया। तो कस्टर्ड और दूध बॉयल हो चुका है, इसे ना तो हम ज़्यादा गाढ़ा करेंगे और ना ही ज़्यादा पतला। तो बीच बीच का जो था वो लिक्विड मेरा रेडी हो चुका है, इसे हम किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमने ट्रांसफ़र करने के लिए एक बाउल ले लिया है, बाउल में हम कर देंगे इसे ट्रांसफ़र। तो हमने मिश्रण को ट्रांसफ़र कर दिया है और ये अब बिस्किट को डाल देंगे, आधा डुबो के आधा ऐसे ही। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही, एक बार जो आप ट्राई करेंगे तो बार बार इसे बनाने का बहुत ही मन करेगा। कितना टेस्टी दिख रहा है, मुझे तो अभी से ही खाने का बहुत ही मन कर रहा है। तो हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो उससे गार्निश कर ले, ज़रूरी नहीं है कि काजू पिस्ता बादामी डाल दे, आपके पास जो भी है अगर वो डाल करके इसे गार्निश कर सकती हैं। बहुत ही टेस्टी डिश बना हुआ है, एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखें और बताएं कि कैसा बना हुआ है। तो बहुत ही टेस्टी बना हुआ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो हम इसे दूसरे में ट्रांसफ़र करके देखते हैं, सर्व करते हैं। देखिए इस पर डाल के भी
खा सकती हैं, बहुत ही टेस्टी बना। देखिए एक बार ट्राई करके देखिए और बताइए कैसा बना। बाय।